मधेपुरा से गुड़पड़ा शेर की खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर हाजिर। सर्वे में नहीं होगी किसी को दिक्कत, बोले मंत्री, जमीन पर जिसका कब्जा वही माना जाएगा रैयत। बिहार में ज्यादातर आपराधिक वारदात भूमि को लेकर होता है, इस बड़ी समस्या को दूर करने का बीड़ा नीतीश सरकार ने उठाया। इस अवसर से बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू किया गया है। सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा किया जाएगा। भूमि का सर्वेक्षण होने से जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे। जमीन का डिजिटल डाटा तैयार होने से इसका फायदा सीधे तौर पर बिहार के लोगों को मिलेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये साफ कर दिया है कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उसी को रैयत माना जाएगा। भूमि के सर्वे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई जमीन के सर्वे में पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत हमसे कीजिए, उसको टांगने का काम हम करेंगे। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने फर्स्ट बिहार से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है। 22,000 गांव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है, उसमें वहां के ग्राम पंचायत समिति और वार्ड सदस्य को कहकर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारा कागजात हमारे पोर्टल पर राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध है। किसी तरह के कागजात की कमी होगी तभी हम उसकी मांग करेंगे। कागजात बनाने के लिए समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में होता है कि परिवार के सभी लोग अपनी अपनी जमीन आपस में बांट लेते हैं, वह जमीन उनके कब्जे में रहती है। वैसी परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वंशावली आपस में सहमति बनाकर दी जाएगी वह जमीन सर्वे में हम चढ़ाएंगे। यदि किसी के पास कागजात नहीं है तो कागज बनाने का समय दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिसका कब्जा होगा रैयत उसी को मिलेगी, सर्वे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 130 साल में 1890 में CS सर्वे शुरू हुआ था। 100 साल बाद 1990 में RS डिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष की कुवत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार की जमीन का सर्वे कराएं। उन्हीं लोगों का पाप है कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद 60% के इस थाने में होता है, 35% के इस कोर्ट में जमीन विवाद का होता है। आजादी से लेकर आज तक जो सरकार थी उसकी इच्छा शक्ति काफी कमजोर थी, जिस कारण से उन्होंने बिहार में जमीन सर्वे का काम नहीं कराया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे जमीन की नियुक्ति की गई, जो सरकार का स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जो काम 130 साल में नहीं हुआ उसे नीतीश कुमार कराने जा रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि आपस में विवाद होगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार सर्वे हो गया अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तब जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है। लगातार फोन कॉल आ रहे हैं जिन्हें रिसीव किया जा रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। यदि कोई सर्वे के काम में पैसा मांगता है तो उसे टांगने का काम राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का है, उनके कुछ पर छोड़ दीजिए। ब्यूरो चीफ गुलफराज शेख की मधेपुरा से खास रिपोर्ट। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में CS सर्वे शुरू हुआ था और 100 साल बाद फिर 1990 में RS सर्वे डिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार के जमीन का सर्वे करा लिया और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद में 60% केस थाना में जमीन विवाद का होता है और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है जमीन विवाद का होता है। तो इतने आजादी से लेके आज तक और आजादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी, जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई और यह स्ट्रांग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त। अधिकारियों को लूट का मौका दिया जाएगा इस सर्वे से? नहीं, किस चीज का लूट को मौका? जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है, आजादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। कि जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अभी ग्राम सभा का शुरुआत करना चाहता है और करीब 22,000 गांव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है।